नमस्कार न्यूज़ स्टेशन में आपका स्वागत है आज हम आपकी बात कराते हैं देश की जानी मानी साइंटिस्ट प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जी से आइए उन्हीं से बात करते हैं और उनका जो काम है बिल्कुल अलग काम है निराला काम है क्वांटम कम्युनिकेशन पर वो काम कर रही हैं उन्होंने कुछ नया काम किया है आइए उन्हीं से बात करते हैं प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जी आपका न्यूज़ स्टेशन में स्वागत है शुक्रिया मैम क्या नई चीज आपने खोज निकाली है अभी रिसेंटली जो हमने किया है उसको हम बोलते हैं क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी मतलब अगर आप सिटी स्कैन आपने सुना होगा शायद होपफुली आपका हुआ नहीं है पर अगर वो ब्रेन स्कैन वगैरह जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि ब्रेन के जो डिफरेंट जो हिस्से हैं उसको हम पिक्चर लेते हैं फिर उससे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि पूरा ब्रेन कैसा दिख रहा है है उसको बोलते हैं स्कैन uh, मतलब टी जो टोमोग्राफी को बोलते हैं वैसे ही हम अगर क्वांटम स्टेट को अगर हम एस्टिमेट करना चाहे तो उसको भी हम अगर डायरेक्टली मेजर करेंगे तो फिर वो आपको मालूम है कि वो स्टेट फिर uh, ख, खत्म हो जाती है मतलब एक बार मेजर करने से वो क्वांटम स्टेट क्वांटम स्टेट वो वाली नहीं रहती तो फिर हम क्या करें अभी तो इसको हम बोलते हैं क्वांटम स्टेट टोमोग्राफी मतलब कि क्वांटम स्टेट को लिया फिर डिफरेंट डिफरेंट वो प्रोजेक्शन किए मेजरमेंट्स किए और फिर उसमें से हमने वो क्वांटम स्टेट किया था उसको ढूंढ निकाला तो वो है कॉमन तरीका उसमें अगर हम एन डायमेंशनल मतलब n डाइमेंशन मतलब 2 डाइमेंशन हो तो क्यूबिट जो होता है वैसे 3 डाइमेंशन हो तो क्यूट्रिट तो n डाइमेंशनल स्टेट अगर हम लेंगे तो उसमें n क्रॉस n मतलब उतने सारे मेजरमेंट्स लगते हैं मतलब काफी सारे मेजरमेंट्स लगते हैं तो अगर इसको कम मेजरमेंट्स में करना हो तो इसमें काफी सारे फायदे हैं क्योंकि जितना आप मेजरमेंट करेंगे उतना उसमें एरर आएगा और फिर स्टेट एस्टीमेशन में भी आपकी उतनी गलती आएगी तो फिर हमने जो मेथड किया है उसको बोलते हैं क्वांटम स्टेट उसमें क्या है कि एक डाला, फिर आउटपुट में वो क्वांटम स्टेट क्या है उसका एस्टिमेशन निकल आया मतलब कि आपको कुछ करना नहीं पड़ा हमने आपको इंटरफेरोमीटर दे दिया फिर आपने जस्ट इनपुट किया और आउटपुट से आपने एस्टिमेट कर लिया कि स्टेट क्या है मतलब कि Uh, एक इंटरफेरोग्राम से ही हम स्टेट की स्टेट uh, 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 का अनुमान कर सकते हैं तो फिर बहुत सारा इसमें स्केलिंग का एडवांटेज है मतलब uh, जो कि टोमोग्राफी uh, uh, में जो है जिसमें स्क्वायर है मतलब एन स्क्वायर जो हमने कहा ये लिनियर है uh, क्योंकि uh, तो फिर आप समझ सकते हैं कि काफी कम नंबर ऑफ मेजरमेंट से ये होगा मतलब क्यूबिट में सिंगल शॉट में ही होता है सिंगल शॉट मतलब एक मेजरमेंट एक मेजरमेंट से ही आप क्वांटम स्टेट को एस्टीमेट कर सकते हैं तो फिर ये तो वैसे तो काफी फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वांटम uh, स्टेट जो है वही है वो uh, चीज जिससे कि आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं कंप्यूटिंग भी कर सकते हैं जो भी आप करना चाहे वो क्वांटम स्टेट ही आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है मतलब उसी पे आप ऑपरेशंस करेंगे फिर ये सब होगा टेक्नोलॉजी तो कि अगर स्टेट क्या है ये आपको मालूम नहीं है तो आप उसमें तो फिर आपको बहुत सारी time की, time का फायदा होगा? और फिर एरर uh, में भी आपकी आपको कम एरर आएगा क्योंकि एक ही मेजरमेंट करना हुआ यही है स्टेट इंटरफ्रोग्राफी तो ये जो हमारी जो पेपर है ये फिजिकल रिव्यू लेटर्स में इसको एक्सेप्ट किया है ये हमारी फिजिक्स में इम्पोर्टेंट जर्नल है तो फिर ये हमारा लेटेस्ट काम हम बोल सकते हैं क्वांटम डोमेन में मैम जैसे आप क्वांटम स्टेट बोल रहे हैं क्वांटम स्टेट आखिरकार है क्या जो हमारा दर्शक है वो क्या समझे उसको क्वांटम स्टेट क्या है? ये वैसे काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है क्योंकि ये फिलोसॉफिकल भी हो सकता है क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि क्वांटम स्टेट मतलब क्वांटम स्टेट हम लोग इन्फर करते हैं कि ये है पर एक एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो एक इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन आपको पार्टिकल है एक है इलेक्ट्रॉन वो उसकी स्पिन स्पिन होती है, मतलब अप या डाउन हम बोलते हैं या फिर आप सोच लीजिए एक लाइट की स्विच है उसकी एक ऑन है या ऑफ है तो ये ऑन जो है वो उसकी स्टेट है मतलब वो वो उसको डिस्क्राइब करता है कि ये जो लाइट की स्विच है इसकी क्या स्थिति है मतलब स्टेट को हम स्थिति बोल सकते हैं कि ऑन जो है ये एक, उसकी एक स्थिति है या ऑफ जो है ये इसकी और एक स्थिति है तो फिर ऑन स्टेट ऑफ स्टेट वैसे ही क्वांटम uh, सिस्टम जो है उसमें uh, भी हम uh, उसकी स्थिति का अगर हम डिस्क्रिप्शन चाहे उसको हम क्वांटम स्टेट बोलेंगे तो अगर आप स्थिति को ही नहीं जानेंगे तो फिर uh, उस पर ऑपरेशन आप कर नहीं पाएंगे इसीलिए क्वांटम स्टेट का जो एस्टिमेशन है ये इतना इंपॉर्टेंट है क्वांटम स्टेट का जो है, इसके क्या -क्या जो है जो है है क्या-क्या आपने आपने तकनीक बताई या चीज ढूंढ निकाली है उससे क्या क्या फायदा होने जा रहा है वैसे तो जो है कि अगर आप सोचे रहेंगे क्वांटम स्टेट अगर आप आपने एस्टिमेट कर लिया और इसमें इतने सारे इतने कम मेजरमेंट्स लगे और क्यूबिट में सिर्फ एक ही लगा तो फिर ये फायदा जो है कि आपको कम टाइम लगेगा मतलब चीज आ, स्टेट एस्टीमेशन में और फिर आ, स्टेट एस्टीमेशन में जो आपकी फिडेलिटी है उसको बोलते हैं कि आ, वो कितना आप सही है क्योंकि आपको तो मालूम नहीं है ना तो अननोन है तो फिर करने के बाद ही आपको मालूम होगा कि ये क्या था तो फिर आ, जो अननोन स्टेट था और आपने जो अनुमान किया उनमें जो मतलब डिफरेंस है वो काफी कम होगी अगर मेजरमेंट्स कम हो जाएंगे तो तो फिर ये हम लोग तो एक्सपेरिमेंट लिस्ट है तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि जो भी हम करें उसमें मिनिमम मेजरमेंट्स करें क्योंकि जितना मेजरमेंट बढ़ाएंगे उतना एरर भी बढ़ेगा इसीलिए मिनिमम मेजरमेंट्स का जो है इसलिए ये फायदा ये होगा कि जो स्टेट एस्टिमेशन होगा वो आप उस पे कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा होगा फिर आप अगर कम्युनिकेशन करना चाहो क्वांटम कम्युनिकेशन तो फिर उसमें भी इसका फायदा होगा क्योंकि अगर स्टेट का एस्टिमेशन आपने अच्छे से किया है इस नए तरीके से तो फिर कम्युनिकेशन में भी जो है एरर कम आएगा फिर क्वांटम कंप्यूटिंग में भी आपका गेट एरर कम आएगा ये हम अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि ये एक फंडामेंटल टेक्निक है जिसको यूज करके आप काफी सारे टेक्नोलॉजीज को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे मतलब सिंपल टर्म्स में अगर बोले तो मैम दो चीजें आपने अभी बोली एक तो आपने बोला क्वांटम कंप्यूटिंग दूसरा बोला क्वांटम कम्युनिकेशन तो इन दोनों चीजों को समझना चाहेंगे क्वांटम कंप्यूटर uh, या कंप्यूटिंग क्या है और क्वांटम कम्युनिकेशन क्या है वैसे तो बहुत सारा टाइम लगेगा इसको अच्छे से समझा में तो मैं थोड़ा सिंपल करके बोलती हूँ कंप्यूटिंग जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स के माध्यम से हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें टाइम जो है वो काफी कम लगेगा

टू पावर जितने सारे सिस्टम होंगे उससे आपको ये ये मिलती है तो two to the 50, ये एक milestone है तो एक इससे ऐसे फायदा होगा कि कुछ problems जिस जो आप हम सोच ही नहीं सकते कि हो सकता है वो मिनटों में हो जाएंगे तो ये है क्वांटम कंप्यूटिंग पर कंप्यूटिंग से एक प्रॉब्लम भी होगी कि ऐसे प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे जिससे कि हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट होगा कि ये जो हमारा जो अभी कम्युनिकेशन जो है इसमें हम लोग क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं मतलब कि एक की बोलते हैं उसको की वाई -E उससे हम लोग जो मैसेज है उसको एनक्रिप्ट करते हैं फिर जो रिसीवर है उसको भी की मालूम है वो उसको डिक्रिप्ट करता है तो सेंडर और रिसीवर को पता चलता है तो अगर ये क्लासिकली करेंगे तो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं जिसमें जो हार्डनेस है वो काफी ज्यादा है क्लासिकल कंप्यूटर के लिए तो वो हमारे लिए अभी सिक्योर है पर क्वांटम कंप्यूटर जब आएगा उसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ऐसे एल्गोरिथम्स मतलब रन होंगे कि ये जो प्रोटोकॉल्स है इसकी सिक्योरिटी फिर नहीं रहेगी ये सिक्योरिटी चली जाएगी तो फिर हमारी आज की जो सिक्योर इंफॉर्मेशन है बैंकिंग का हो या डिफेंस का हो जो भी हो वो क्वांटम कंप्यूटर आने से वो सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो फिर ये काफी बहुत ही बड़ी ये आ, समस्या है क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब उसका यही प्रॉब्लम भी होगा कि उससे कम्युनिकेशन का सिक्योरिटी वो खत्म हो जाएगा तो इसके लिए क्वांटम एक सॉल्यूशन चाहिए होगा उसको हम क्वांटम कम्युनिकेशन बोलते हैं उसमें भी हम क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल से कम्युनिकेशन को सिक्योर रखते हैं जैसे कि कंप्यूटिंग में भी क्वांटम प्रिंसिपल्स है इसमें भी क्वांटम प्रिंसिपल्स रखेंगे तो फिर वो क्वांटम कंप्यूटर उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा इसीलिए क्वांटम कंप्यूटिंग की जो थ्रेट है उसको सॉल्व करने के लिए भी क्वांटम सोल्यूशन चाहिए होगा उसको हम क्वांटम कम्युनिकेशन बोलते हैं न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए धन्यवाद तो यहाँ पर ये हमारे साथ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की साइंटिस्ट थी जो तमाम चीजों को आपके सामने रख रही थी और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफी टेक्निकल चीजें थी कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी कुछ हो सकता है नहीं समझ में आई हो तो उसके लिए आपको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन फिर मिलेंगे दोबारा